नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, क्या आपने उस ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुन रखी है, जिसकी ईमानदारी से खुश होकर जल देवता ने सोने, चांदी व लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां उसे भेंट में दे दी थी? सुन रखी है ना आपने? तो चलो आओ बच्चों, अब मैं आपको एक ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसकी ईमानदारी ने सभी का दिल जीत लिया। एक छोटे से गांव में चंदू नाम का बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वे लोग इतने गरीब थे कि उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन की बात है कि दो भाई अपनी फसल को शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर उनको जो पैसा मिला वह उन्होंने एक थैली में रख लिया। अचानक से एक गड्ढा आ गया और उनका ट्रैक्टर उछला और उनके हाथ से वो थैली नीचे गिर गई। दोनों भाई जल्दी जल्दी में उस थैली को देख नहीं पाए और सीधे अपने घर चले गए। उसी समय चंदू भी खेल कूद कर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक से उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। उसने देखा कि कोई थैली सी पड़ी है। जब नंदू ने थैली को खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे नोट भरे हुए थे। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी थैली है। उसने सोचा, अगर वह थैली यहीं पर छोड़ जाता है तो कोई ना कोई तो इसे उठाकर जरूर ले ही जाएगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी वह थैली है उसे कितना दुख हो रहा होगा। चंदू उम्र में बहुत छोटा था और निर्धन भी बहुत था, लेकिन उसकी सूझबूझ बहुत अच्छी थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया और उसने उस थैली को एक टोकरी के ऊपर रख दिया और सोचा कि मैं उसी रास्ते पर वापस चला जाता हूँ। जो कोई भी आएगा और अपनी थैली की पहचान बताएगा तो मैं उस थैली को उसे वापस कर दूंगा। थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुंचे और आपस में बातचीत करने लगे। अचानक से उनको ध्यान आया कि उनकी थैली तो है ही नहीं। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, लेकिन कहीं भी थैली दिखाई नहीं दी। दोनों भाई यह जानकर निराश होते हुए बहुत दुखी हुए। पूरे साल की कमाई उस थैली में जो भरी हुई थी। जिस किसी के हाथ भी वो थैली लगेगी वो वापिस तो देगा नहीं। यह सोचकर वे और ज्यादा परेशान हुए। शायद वह थैली अभी तक किसी के हाथ ना लगी हो, यह सोचकर दोनों भाई हाथ में टॉर्च लेकर उस रास्ते पर चल दिए। रास्ते में चंदू भी उन्हें मिल गया। चंदू ने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद यह थैली इन्हीं की ही है। उसने उनसे पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन दोनों ने चंदू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चंदू ने दोबारा पूछा कि आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो अंकल? उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, और तुम्हें इसे क्या मतलब? यह कहकर वे दोनों आगे चल दिए। चंदू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि यह नोटों वाली थैली अवश्य ही इन्हीं की है। उसने तीसरी बार फिर पूछा तो एक भाई ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ और हमें अपना काम करने दो, हमारे दिमाग को और ज्यादा मत खराब करो। लेकिन चंदू की समझ में आ गया था कि वह थैली अवश्य ही इन्हीं की है। चंदू ने उनसे फिर पूछा कि क्या आपकी थैली खो गई है? यह सुनते ही दोनों भाई एकदम से रुक गए।
और बोले, हाँ, क्या वह थैली तुम्हारे पास है? चंदू ने कहा, मुझे पहले यह बताओ कि आपकी थैली की पहचान क्या है? जब उन दोनों ने थैली की पहचान बताई तो चंदू ने कहा, रुको, मैं अभी तुम्हारी थैली लेकर वापिस आता हूं। यह कहकर वह अपने घर की ओर चल दिया। चंदू जल्दी से अपने घर गया और उसने वह थैली उठाई और उसने वह थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। अब दोनों भाइयों की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वे चंदू की ईमानदारी पर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इनाम के तौर पर चंदू को कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन चंदू ने लेने से मना कर दिया और बोला कि यह तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा बच्चों, अगर आप चंदू की जगह होते तो क्या करते? अगले दिन दोनों भाई चंदू के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने चंदू की अध्यापिका को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि हम सब विद्यार्थियों के सामने चंदू को धन्यवाद देने आए हैं। यह सुनकर अध्यापिका की नेत्रों से खुशी के आंसू गिरने लगे। उन्होंने चंदू की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसों से भरी थैली के बारे में आपने अपने माता-पिता को क्यों नहीं बताया? तब चंदू बोला, मैम जी, मेरे माता-पिता बहुत निर्धन हैं। रुपयों को देखकर उनका मन बदल जाता तो हो सकता है कि रुपयों को देखकर उसे लौटाने भी नहीं देते। और जिससे ये दोनों भाई बहुत निराश हो जाते, यह सोचकर मैंने नहीं बताया। सभी ने चंदू की बड़ी प्रशंसा की। दोनों भाइयों ने उससे कहा, बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब होकर भी तुमने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। तो बच्चों, हमें भी चंदू की तरह ईमानदारी और सच्चाई का गुण अपनाना चाहिए, है ना बच्चों? और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो आपको कैसी लगी है कहानी? धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।